मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में
हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता
लीड रोल में इसमें नजर आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में
हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी
एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में
16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और
यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट। इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट। इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट। इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं।
इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में
अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना। मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में
कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली,
समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक
जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों,
नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह
सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देवल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं
और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था, और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट। इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देओल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमा घरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था, और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट। इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देओल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं, और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था, और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट। इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है, जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं।
इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देओल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देओल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में अनिल कपूर के करियर की यह एक ज़बरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस मूवी रिव्यू की और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अनिल कपूर के अगर आप फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो एंट्री फिल्म के बारे में। नो एंट्री फिल्म कब बनी थी, इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं और यह कितनी कमाई करने वाली फिल्म थी, इसका बड़े पर्दे पर बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कलेक्शन था और यह कब रिलीज की गई थी। यह नो एंट्री फिल्म फ्लॉप हुई थी या हिट, इसके लीड रोल में कौन कौन से हीरो और हीरोइंस थी, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, नो एंट्री फिल्म 2004 में बनी एक हिंदी भाषा का एक हास्य चलचित्र मूवी है जिसके डायरेक्टर अनीस बाजमी और इसके निर्माता बोनी कपूर हैं। इसके लीड रोल में जो एक्टर्स हैं वो अनिल कपूर, सलमान खान, फरीद खान, लारा दत्ता, बिपाशा बसु, ईशा देओल, बोमल ईरानी, सेलानी जेटली, समीरा रेड्डी, ये सारे के सारे अभिनेता लीड रोल में इसमें नज़र आए थे। इसके जो संगीतकार हैं, इस मूवी में जो संगीत दिया है उन्होंने, उनका नाम अनु मलिक है। यह सभी सिनेमाघरों में 16 अगस्त 2004 को प्रदर्शित की गई थी। मूवी काफ़ी हिट साबित हुई थी और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी शानदार रही थी। ऐसे में
अनिल कपूर के करियर की यह एक जबरदस्त मूवी रही थी। इस वीडियो में बस इतना।